सीमांचल में ये पार्टी गुज़श्ता 4 सालों से काम कर रही है और पूरे बिहार के आमजनों की आकांक्षा और पार्टी के सुप्रीमो जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के निर्देशानुसार हमने ज़रूरत समझी है बिहार के मौजूदा वर्तमान राजनीतिक परिवेश में इस बात की ज़रूरत है कि सीमांचल से निकलकर ये पार्टी पूरे बिहार में इसका विस्तारीकरण हो, संगठन का काम भी हो और आइंदा के जो उपचुनाव हैं और 2020 का जो चुनाव है उसमें पार्टी मजबूती से लड़ेगी। उसके लिए हम लोगों ने आज प्रेस के माध्यम से यह संदेश और यह पैगाम पहुंचाने के लिए आप लोगों को धमक दी है। जैसा कि आपको मालूम है कि देश की आज़ादी के 72 साल हो गए और इन 72 सालों में जो हमारे बुजुर्गों ने जो सपने देखे थे मुल्क की आज़ादी के और आज़ाद हिंदुस्तान के बारे में जो सपना देखा था वो सपना साकार बिहार में नहीं दिख रहा है। गरीबी और अमीरी की खाई बढ़ती चली जा रही है। बिहार में हर तरफ करप्शन है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तमाम तर मामले में सरकारें नाकाम होती जा रही हैं। जात पात की तफरीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। सबका साथ सबका विकास, इंसाफ के साथ तरक्की का दावा, समाजी इंसाफ का नारा, ये सारी चीज़ें खोखली साबित हो रही हैं और ये नारे झूठे साबित हो रहे हैं। और ऐसे में आप देखेंगे कि आज लोगों की इज्जत आबरू जिंदगी महफूज नहीं है, औरतों की आबरू सलामत नहीं है। हर तरफ अफसरशाही और बदनवानी का बोलबाला है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है और लोग सिर्फ सत्ता की राजनीति करते हैं, जनहित की राजनीति नहीं करते। ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी ने फैसला लिया है कि हम पूरे बिहार में अपने संगठन का विस्तार ही नहीं करेंगे बल्कि दबे कुचले महरूम और वंचित लोगों की आवाज़ भी बनेंगे और जो सपना हमारे बुजुर्गों ने देखा था उसको साकार करने के लिए हम प्रयास करेंगे। उसके लिए ज़रूरत है कि बिहार में एक नई राजनीतिक पहल हो, एक मुतबादिल सियासी महाज सामने में आए, उसकी तरफ हमारी पार्टी पहल कर